आज हमारा है पार्ट एट प्रसंग 1.4 समरूपता का। ध्यान रखिए, हमने पार्ट 7 में समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात सीखा है। अब उसी आधार पर हम प्रश्न हल करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, किताब एक बार देख लें आप लोग, और ये रहा 1.4 एक्सरसाइज, ये हम क्वेश्चंस करने वाले आज। तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न मैंने लिख लिया है, बड़े आसान प्रश्न है, एक एक अंक के लिए है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 हो। दो त्रिभुज समरूप है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया है 3:5, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम क्या करेंगे यहां पर, इसका हल देखिए। तो हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दो समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज हमने क्या दिखा दिया, पीक्यूआर। अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, हम लिखेंगे इसलिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय अनुसार, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय अनुसार या प्रमेय से दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात तो दिया ना 3:5, तो कोई भी संगत भुजा हो जाएगी। हम कहेंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर, कोई भी संगत भुजा ले लीजिए आप, एबी अपॉन पीक्यू ले लीजिए या बीसी अपॉन क्यूआर ले लीजिए या एसी अपॉन पीआर ले लीजिए। चलिए हमने एबी का वर्ग अपॉन पीक्यू का वर्ग ले लिया, सिद्ध किया हमने पार्ट 7 में। तो संगत भुजा क्या, 3:5, तो 3 का वर्ग अपॉन 5 का वर्ग 25, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर आ गया 9:25, 9:25। इसलिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या आ गया, 9:25। यह आ गया पहला आंसर आपका। दूसरा देखिए क्या कहा है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर आपको समरूप दिए हुए हैं और इसमें दो भुजाओं का अनुपात दिया है, तो कह रहा है निम्नलिखित चौखट पूर्ण करो, सिंपल। तो जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। अगर ए बी संगत एक भुजा लिया है तो दूसरी संगत भुजा क्या होगी, पीक्यू, तो पीक्यू का वर्ग हो जाएगा। यहां वही चीज देखिए, अब ए बी और पीक्यू का अनुपात 2:3 है, तो 2 का वर्ग अपॉन 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, ये आंसर हो गया आपका। सिर्फ इतना पूछा आपसे, अब आप आते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टार्ट। अब आपके सामने हमने फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन ले लिया है, दोनों बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी मिल जाते हैं, तो वो ध्यान दीजिए, तो एसएससी बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज PQR और ये दिया हुआ कंडीशन, PR बराबर 20 हो तो MN ज्ञात करो। तो देखिए ध्यान से, हमें MN ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया है कंडीशन उसको हल करेंगे। देखिए इसका हल कितना आसान है, 9 × एरिया ऑफ त्रिभुज PQR = 16 × एरिया ऑफ त्रिभुज LMN, ये दिया है बेटा। तो हम क्या कर लेते हैं, चलिए ठीक है, LMN समरूप त्रिभुज PQR दिया है, तो मैं यहां पे 9/16 लिख लेता हूं। ये 9 है अपनी जगह पर, ये इंटू में है इसलिए अपॉन में आया इधर, इक्वल एरिया ऑफ त्रिभुज LMN ऐसे ही है, और ये इंटू में है तो इस तरफ क्या जाएगा, अपॉन में, गुणे में है तो भाग में आ जाएगा। ये देखिए ऐसा, ये हो गया कथन एक आपका, इसे छोड़ दीजिए। अब यही दो त्रिभुज समरूप भी है, याद रखिए जब भी दो त्रिभुज समरूप दिए होंगे और उनके क्षेत्रफल से संबंधित बात पूछेगा तो आलवे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय का उपयोग करना है। तो हम कहेंगे चूंकि त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज PQR यह दत्त दिया हुआ है, इसलिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय अनुसार
समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेयानुसार या प्रमेय से, मैं एक बार और कह रहा हूं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आपको संगत भुजा का अनुपात में आपको पीआर दिया है, एमएन ज्ञात करना है। तो ले लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एलएमएन अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर, तो संगत भुजा एलएन और पीक्यू लेंगे क्योंकि देखो सॉरी पीआर दिया है ना, मैं पीआर दिया है तो एलएन और पीआर लेंगे, तो एलएन का वर्ग अपॉन पीआर का वर्ग, संगत भुजा होगी। अब त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात से संबंधित बात हमें मालूम है 9/16। आपको एलएन ज्ञात करना है, सॉरी एमएन ज्ञात करना था क्या? ओहो एमएन ज्ञात करना था, तो पीआर कैसे दिया है? त्रिभुज पीक्यूआर एक बार हम किताब में देख लें, वो यहां पर क्यूआर दिया है, ध्यान देना बेटा ये क्यूआर दिया है। अगर क्यूआर दिया है तो और एमएन पूछा है तो एमएन का वर्ग अपॉन क्यू आर का वर्ग हो जाएगा। क्यू आर दिया है और एमएन पूछा है तो संगत भुजा दोनों है कि नहीं है? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। ये 9/16 देखो निकाला। एमएन आपको ज्ञात करना है, क्यू आर दिया है कितना 20 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, इन सब इसका वर्गमूल ले सकते हैं, इसका वर्गमूल ले सकते हैं, ये वर्ग घटा सकते हैं। तो वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल ले लीजिए, इसका वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इन दोनों का वर्ग घट गया, एमएन अपॉन 20 हो गया ये। अब हमें एमएन ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसका तिर्यगुणा कर दें। देखिए यहां पर आ जाइए, मैं यहां कर दे रहा हूं, तो 4 × MN, इसका इससे 2 हो गया और इसका इससे 2 कर दीजिए, 3 × 20, तो MN इक्वल क्या हो जाएगा, 20 × 60 और ये 4/4 में आ जाएगा, 4 से काटोगे तो 15 × 4 = 60 होता है, इसलिए यहां पे 15 आएगा, तो MN कितना आ गया, 15 आ गया। तो एकदम आसान प्रश्न, सेम ऐसे इसमें आते हैं हमें, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर तथा 81 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात करो। याद रखो छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। एक बार हम प्रश्न कंफर्म कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। तो यहां पर देखिए ये बड़ा त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया है और ये छोटा त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो ठीक है, माना इसका हल देखिए, माना दो समरूप त्रिभुजों में बड़ा त्रिभुज एबीसी और छोटा त्रिभुज पीक्यूआर है और दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, ठीक है भाई, और उनके क्षेत्रफल दिए हैं, बड़े छोटे त्रिभुज की संगत भुजा दी है, बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो भाई हम फिर से वही कहेंगे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय से समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेयानुसार या प्रमेय से एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर संगत भुजा, एबी का वर्ग अपॉन पीक्यू का वर्ग। आपको यह ध्यान रखनी है, एबी बड़ा त्रिभुज, एबीसी त्रिभुज बड़ा त्रिभुज है तो भुजा एबी बड़ी है, त्रिभुज पीक्यूआर छोटा त्रिभुज है तो भुजा पीक्यू छोटी भुजा है। इस तरह से ध्यान से माप रखना है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 225, इसका क्षेत्रफल 81। आपको छोटे त्रिभुज की भुजा दी है, छोटे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई, मतलब पीक्यू छोटी भुजा है, एबी बड़ी भुजा है, तो एबी हमें ज्ञात करना है, तो यह हो जाएगा कितना, 12 का वर्ग। सेम ऐसे ही इसे भी हल करेंगे हम, मैं यहां पर थोड़ा सा इसे इरेज कर ले रहा हूं और आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये देखिए हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले सकते हैं, देखिए दोनों संख्याओं का वर्गमूल ले सकते हैं, तो वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर 225 का वर्गमूल 15 और 81 का वर्गमूल 9 और एबी का स्क्वायर है तो हट जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब त्रिगुणा कर दो, 9 × AB बराबर 15 × 12, तो AB बराबर 15 × 12 करने पर 180 आएगा और ये गुणे में है तो बटे में आ गया,
तो एबी बराबर 9 दुना 18 20 सेंटीमीटर। इसलिए बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई, बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई कितनी है बोलो? 20 सेंटीमीटर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम छठा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसके बाद सातवां करेंगे। तो ध्यान दीजिए, छठा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है ये। त्रिभुज एबीसी, देखिए समबाहु त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में, ये दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं। याद रखिए, जब दो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो, जब दो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? या तो दोनों त्रिभुज की भुजाएं सर्वांगसम होगी, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं सर्वांगसम होती है तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांगसम होंगी तो इसकी भी तीनों भुजाएं सर्वांगसम होंगी, इसके प्रत्येक कोण का माप 60 अंश होगा तो इसके भी प्रत्येक कोण का माप 60 अंश होगा। तो याद रखिए, जब दो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात में होता है और उनके संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। यही कारण है कि वे दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। तो यहां देखिए, समरूप लिखा नहीं है, आपको यह बात एकदम गुणधर्म के तौर पर लेना है कि जब भी आपको दो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज दिए होंगे तो वे दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। तो ध्यान दीजिए यहां पर इसका हल, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समबाहु त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। लिख देता हूं कारण में, दो समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, दो समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। याद रखिए बेटा, दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। अब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी दिया है और भुजाओं से संबंधित बात पूछा है। ऑलवेज जब भी दो त्रिभुज समरूप होंगे, क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी दी होगी या क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी पूछेगा, तो आपको दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय का उपयोग करना है। इसलिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय अनुसार एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर क्या हो जाएगा? संगत भुजा का, संगत भुजा एबी और डी, एबी दिया है, डी पूछ रहा है, एबी और डी देखो संगत भुजा है, एबी का वर्ग अपॉन डी का वर्ग। ये देखिए इनके क्षेत्रफल का अनुपात 4:5:7 दिया है, ये देखिए 4:5:7 लग दिया, एबी दिया है 4 और डी पूछ रहा है। कितना आसान प्रश्न, यहां वर्ग मूल्य ले सकते इसका, इसलिए हल करेंगे 4/7, 4 का वर्ग 16, डी का वर्ग। अब त्रिया गुणा करो इसका, इससे 4 × DE का वर्ग बराबर 7 × 16, तो DE का वर्ग बराबर 7 × 16/4, DE का वर्ग बराबर 7 × 4 = 16 होगा और ये 7 × 28 होगा, तो DE का वर्ग बराबर हो जाएगा 28। वर्गमूल लेंगे तो DE बराबर हो जाएगा कर्णी में 28 √28, तो DE का बराबर, DE बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 28, 4 का वर्गमूल बाहर कितना आएगा? 2, करने में लगेगा 7। तो ये आ गया, देखिए ध्यान से, डी की लंबाई कितनी हो गई? 2, करने में 7। तो एकदम आसान प्रश्न। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि आखिरी प्रश्न है आज का। अब हम ला रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जैसा किताब में दिया वैसे ही, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, मैं समझा के देता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। रेख PQ समांतर है DE के, ये देखिए PQ इसके समांतर है। यदि त्रिभुज RQF, PQF होना चाहिए, PQF 21 सेंटीमीटर है, वर्ग इकाई है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 20 वर्ग इकाई, ये यहां लिख दिया मैंने 20 वर्ग इकाई, और PF इक्वल टू DF, PF इक्वल टू DF मतलब PF DF के दुगने के बराबर है, तो आपको चतुर्भुज एरिया ऑफ चतुर्भुज DPQE इसका क्षेत्रफल पूछना है, पूछा है। आसान, आपको यह दिखाया हुआ है 20 वर्ग इकाई, ठीक है वो तो है ही है, ये भी दिया हुआ प्रश्न में है। सिर्फ मान लिया कि DF DP क्या है, x है, अगर DP x हो जाएगा, DP x हो जाएगा तो PF क्या हो जाएगा? 2 × DP की जगह x रख देंगे तो 2x हो जाएगा, तो PF क्या हो गया? 2x हो गया। अब DF इक्वल क्या जाएगा? DF, ये देखिए DF इन दोनों को जोड़ने पे आएगा, DP प्लस क्या करना पड़ेगा? PF, DP x है और PF कितना है? 2x है, तो x और 2x जोड़ने पर क्या गया? 3x आ गया। एकदम आसान स्टेप। देखिए हमने पहले भी आपको सिखाया
1.3 के लिए कि ये अगर इसके समांतर है तो ये इनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए ये दोनों संगत कोण क्या होंगे, सर्वांगसम। ये दोनों समांतर है तो ये भी इनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए ये दोनों संगत कोण भी क्या होंगे, सर्वांगसम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल द एंगल्स आर ट्रांसवर्सल बिकम्स करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कांगुरेंट। तो दो समांतर भुजाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले संगत कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए ध्यान से, त्रिभुज पहले क्या ले रहे हैं, एफ डी ई ऐसे लिया, फिर एफ पी क्यू भी, पहले कोण एफ डी ई, तो एफ डी ई का संगत कोण क्या होगा, एफ पी क्यू होगा, ये दोनों संगत कोण है ना, तो एफ डी ई दिखाया है, इसका संगत कोण एफ पी क्यू हो गया। ये देखिए एफ पी क्यू संगत कोण, सेम एफ ई डी, ये देखिए एफ ई डी, तो इसका संगत कोण क्या होगा, ये होगा एफ क्यू पी, एफ क्यू पी संगत कोण। अब दो सर्वांगसम कोणों की जोड़ी आए दोनों त्रिभुज में, इसलिए समरूपता की कोपो कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय का उपयोग किया यहां पर, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एफ डी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज एफ पी क्यू, ये त्रिभुज एफ डी मतलब एफ डी बड़ा वाला त्रिभुज और एफ पी क्यू ये छोटा वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो एफ डी की संगत भुजा डी एफ हो गई, ये देखिए एफ डी या डी एफ, और इसकी संगत भुजा पी एफ होगी, ये देखिए ना, ये डी एफ और पी एफ इसी पे आ रहा है ना, डी एफ बड़े त्रिभुज की भुजा, पी एफ छोटे त्रिभुज की भुजा, तो डी एफ जो है क्या है, तीन एक्स के भुजा से आपने डी एफ समझ लिया ना, डी एफ सॉरी डी एफ, ये डी एफ, तो एफ डी या डी एफ का वर्ग और ये पी एफ का वर्ग, बहुत ध्यान से, डी एफ कितना है, देखो तीन एक्स है यहां, सॉरी ये रहा डी एफ तीन एक्स का वर्ग, वर्ग है ना ये, तो वर्ग, पी एफ कितना है, देखो ध्यान से, पी एफ आपका टू एक्स है, पहले देखो लिख के रखा है, तो यहां पे टू एक्स आया, बुक में दिया है ध्यान से, तो अब ये एक्स से एक्स कट गया, कैंसिल हो गया, तीन का वर्ग नौ, दो का वर्ग चार, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब क्या कर लिया है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई ऐसे ही है, ये इधर आ जाएगा, ये तो 9/4 इंटू, ये अपॉन में तो इंटू हो गया यहां पर, और एरिया ऑफ त्रिभुज एफ पी क्यू, ये देखो एफ पी क्यू पहले ही 20 वर्ग इकाई है, यहां पे 20 रख दो, 4 5 20 4 5 20 तो यहां पे 5 आ जाएगा, 4 से 20 कटेगा 5 आएगा, 5 का 9 से गुणा कर दो, 9 5 45 9 5 45 वर्ग इकाई। अब पूछा क्या आपसे है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जब पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो यह चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिलेगा। ये देखिए एरिया त्रिभुज एफ डी ई, एफ डी ई में से एफ पी क्यू को घटा रहा है, देखिए एफ पी क्यू, तो एफ डी ई कितना आपने निकाल लिया यहां पर, एफ डी ई का क्षेत्रफल 45 और इसका 20 दिया ही है, ये देखो 20 दिया इसका है, घटा दो तो क्या आएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 25 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये, ध्यान दीजिए बच्चों, हमने यहां तक कंप्लीट किया ये, इसके बाद आपका जो टेक्स्ट बुक है वो प्रॉब्लम सेट 1 प्रकरण प्रसंग 1, टोटल 12 या 13 प्रश्न है, इसमें से हम 7-8 जो सबसे डिफिकल्ट प्रश्न है वही कराएंगे, सरल प्रश्नों को नहीं कराएंगे, लेकिन प्रॉब्लम सेट के भी प्रश्न